हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलोक। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बोलूँगा राउंड ऑफ बैक फ्लिप कैसे करते हैं। तो चलिए आज राउंड ऑफ बैक फ्लिप के ऊपर ही बातें करते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान ट्यूटोरियल है, तो ये हेल्प करेगा आपको कंटिन्यूस बैक फ्लिप करने के लिए। तो राउंड ऑफ बैक फ्लिप सिमिलर है कार्टवील के तरह, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो लेट किए बिना चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर, टेक्निकली इसको बोलते हैं राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग। हालांकि ये बैक फ्लिप कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए मैं इसे बैक फ्लिप की तरह ही लूँगा। और इट डजेंट मैटर कि आप बैक हैंड स्प्रिंग या बैक फ्लिप बोलते हो, बस आपको ये करना कि ये क्या है। तो यहाँ पे पैरों का एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पैरों को ही आप यूटिलाइज करते हो ज़्यादा। एक राउंड ऑफ करने के लिए पैरों का स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ थोड़ा बॉडी वार्म अप अगर कर लोगे तो और ही बेटर होगा, कम्फर्टेबल लगेगा प्रैक्टिस करने के दौरान। तो सबसे पहले आपको एक डिसेंट कार्टवील आना चाहिए। अगर आपको पता नहीं ये कार्टवील कैसे करते हैं, तो आप राउंड ऑफ करते वक्त आपको तकलीफ होगा। तो इसीलिए पहले आप जान लो कार्टवील कैसे करते हैं। कार्टवील बहुत ही सिंपल है। आपको पहले कुछ इस तरह से हाथों को रखना होगा, और उसके बाद टेक ऑफ करके लैंड करना होगा कुछ इस तरह। चलिए और एक बार डिटेल में बता देता हूँ क्या करना होगा आपको। लेफ्ट हैंड को पहले प्लेस करना होगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो मेरा है उसको पहले प्लेस कर रहा हूँ, और उसके बाद राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से आगे रखना है। और एक बार बोल देता हूँ, लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा, राइट हैंड आगे रहेगा। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से आगे रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो राइट लेग है वो पीछे रहना चाहिए कुछ इस तरह। राइट लेग पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड पीछे, कुछ इस तरह। मतलब ऑपोजिट आपको समझना होगा, ऑपोजिट। हाथ आगे पीछे, पैर आगे पीछे, और उसके बाद वहीं से पैरों में पावर लेके राइट लेग से किक करके लेफ्ट लेग से पुश करके पैरों को उठाकर लैंड करना होगा। और साथ ही साथ हाथों से आपको बैलेंस करना होगा ताकि आप ना गिरे। यहाँ से किक करना है राइट लेग से कुछ इस तरह, और पुश करना है लेफ्ट लेग से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह लैंड करना है। तो यहाँ पे हाथों का पैरों का सेम कॉम्बिनेशन है, सेम कंट्रीब्यूशन है। अगर आप पहले पहले कर लेते हो कार्टव्हील, और उसके बाद आप ट्राई करो राउंड अप करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं राउंड अप कैसे होता है। राउंड अप बहुत ही सिंपल है, कार्टव्हील की तरह ही है। जैसे हम कार्टव्हील का टेक ऑफ लेते हैं, उस तरह का टेक ऑफ लेना है। बस जब पैर हवा में हो वहाँ पर आपको एक ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट के साथ साथ पैरों को जोड़ना है। याद रखिए, हवा में जब पैर आते हैं तो पैरों को जोड़ना है एक साथ, और ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके दोनों पैरों के साथ लैंड करना है। देखिए यहाँ पे मैंने टेक ऑफ ले लिया कार्टवील की तरह, दोनों पैरों को जोड़ लिया ऊपर, और वहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट किया, उसके बाद लैंड किया। और लैंड के वक्त आपको याद रखना है, दोनों पैर एक साथ लैंड होना चाहिए। अगर दो पैर एक साथ लैंड नहीं होते हैं तो वो राउंड ऑफ नहीं होगा, वो कार्टवील की तरह ही हो जाएगा। बस एक ही फंडा है, सिंपल है। जब पैर ऊपर जाते हैं तो आपको पैरों को जोड़ना होगा, एक छोटा सा ट्विस्ट करके दोनों पैरों के साथ लैंड करना होगा। यहाँ पे देखिए, ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ट्विस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे किक, उसके बाद दोनों पैर को जोड़ के यहाँ से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट अगर आप नहीं करोगे, क्योंकि आप तिरछा करते हो कार्टवील, जब आप लैंड करते हो तब आपको सीधा लैंड करना होता है, क्योंकि सीधा लैंड के बाद आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना होता है। अगर आप तिरछा लैंड करोगे तो बैक हैंड स्प्रिंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक बार आप राउंड ऑफ सीख लिए, उसके बाद ट्राई कीजिए बैक हैंड स्प्रिंग करने के लिए। और ये होगा राउंड ऑफ के साथ। आपको टेक ऑफ लेना है कार्टवील के तरह, पैरों को ऊपर जोड़ना है कुछ इस तरह, छोटा सा ट्विस्ट लेना है, दोनों पैरों को एक ही साथ लैंड करना है, वहीं से पावर लेके बैक हैंड स्प्रिंग करना है।
ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये वो स्पॉट है जहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, जहाँ पे बहुत लोग हार मान जाते हैं कि यहाँ पे राउंड अप के बाद बैकफ्लिप नहीं हो रहा है मुझसे, यहाँ से बहुत लोग डरते हैं। तो यहाँ ये जो पिवटिंग पॉइंट है, ये जो ट्रबल पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉइंट क्या है। आपको यहाँ झुक के रहना होगा, जैसे ही आपने लैंड किया दोनों पैरों से राउंड अप के बाद, वहीं से झुक करके आपको पावर लेना होता है पीछे बैक हैंड स्प्रिंग करने के लिए। कोई कोई लोग होता है, बहुत से लोग जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं राउंड अप के बाद खड़े हो जाते हैं, जो बॉडी होता है वो ऊपर उठा लेते हैं। बॉडी आपको ऊपर उठाना नहीं है, यहाँ पे राउंड अप के बाद लैंडिंग के बाद वहीं से झुक करके आपको पावर देके पीछे की तरफ बैक हैंड स्प्रिंग करना है। देखिए मैं खड़ा नहीं हूँ यहाँ पे, राउंड अप के बाद वहीं से झुक करके नीचे की तरफ झुक के फोर्स लेके बैक हैंड स्प्रिंग कर रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट है जो लोग समझते नहीं है, इसीलिए गलती करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान उनका नहीं होता है, बार बार वो कंप्लेन करते हैं। टेक ऑफ हो गया, लैंड हो गया, लैंड के बाद झुक के रहना है आपको कुछ इस तरह, वही जैसे कि आप लैंडिंग पोजीशन में हो, अभी झुक के हो, वहीं से आपको पावर लेना होता है। अगर ये पार्ट आप सीख जाओगे तो आप कंटिन्यूस फ्लिप प्रैक्टिस के दौरान, चाहे आप 10 करो, 15 करो, कितना भी करो, आपके एनर्जी के हिसाब से, आपके स्टैमिना के हिसाब से वो अनकाउंटेबल होगा। ये एक पावर पॉइंट है। जैसे ही पैर लैंड करते हैं आपको वहीं से झुक करके टेक ऑफ करना है कुछ इस तरह। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग फेल होते हैं, राउंड अप तो कर लेते हैं कंप्लीट, लेकिन जब राउंड अप के बाद कंटिन्यूस बैक फ्लिप करना होता है तब यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। तो सल्यूशन बस यही है, जब आप लैंड करते हो पैरों को जमीन पे रखते हो, वहीं से बॉडी को उठाना नहीं है, बॉडी को झुक के आपको वहीं से पावर लेके बैक हैंड स्प्रिंग करना है। तो ये बस बहुत ही आसान है, आपको एक दो बार देखना होगा, ये वीडियो को समझना होगा, तब जाके आप ये कर पाओगे। तो दोस्तों आज बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हो कि मैं राउंड ऑफ और बैकफ्लिक के ऊपर और भी पार्ट्स बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, नेवर गिव अप। आई विल सी यू लेटर।